सहवाग ने दी मुफ्त टिकट की रोचक सलाह। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हो फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में स्टेडियम खाली होने पर BCCI को दिलचस्प सलाह दी है। वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि खाली स्टेडियम में कॉम्पिटिशन शुरू होने के बाद भारत से बाहर होने वाले मैचों के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त टिकट देना चाहिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में फैंस नजर नहीं आए, जिस पर कई क्रिकेट दिग्गज अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सहवाग का मानना है कि इस समय वनडे क्रिकेट की लोकप्रियता कम हो रही है और टूर्नामेंट के दौरान युवाओं के लिए बेहतर पहुंच से खेल में उनकी रुचि बढ़ सकती है। वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, उम्मीद है कि वर्क टाइम के बाद अधिक लोग आएंगे, लेकिन उन गेम्स के लिए जिनमें भारत शामिल नहीं है, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए टिकट फ्री होनी चाहिए। 50 ओवर्स के खेल में रुचि कम होने के बाद यह निश्चित रूप से युवाओं का अनुभव प्राप्त करने के मदद करेगा। वर्ल्ड कप का खेल और प्लेयर्स को स्टेडियम फुली पैक्ड में खेलने का मौका मिलता है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में गुरुवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पास्ट चैंपियन इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, लेकिन चोट के कारण इंग्लैंड के अपने करिश्माई प्लेयर बेन स्टोक्स नहीं खेल पाए। क्या वीरेंद्र सहवाग का आइडिया सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।